जिनकी उचानक अलग सीट को लेकर बीजेपी और जेजेपी में जुबानी जंग जारी है। इसी बीच जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ ने कहा कि एहसान में या फ्री में नहीं, स्थायी सरकार और हरियाणा की तेजी से विकास के लिए गठबंधन हुआ था। साथ ही उन्होंने कहा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार को उचाना से दुष्यंत चौटाला के चुनाव जीतने पर पेट दर्द हो रहा है, वो रह रहकर अपनी भड़ास जाहिर करते रहते हैं। बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर केसी बांगड़ ने कहा कि इसमें न तो किसी ने किसी पर कोई एहसान किया है और न ही इसमें फ्री या किसी तरह की कोई मोलभाव की बात थी। उन्होंने साफ कहा कि जनभावना की न कीमत लगाई जा सकती है और न ही जनभावना के दम पर कोई एहसान दिया या लिया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 विधानसभा चुनाव, उपचुनाव अगर आप कहें उन्हें, या राष्ट्रपति के चुनाव आप कह लीजिए, राज्यसभा के चुनाव आए, शहरी निकाय चुनाव आए, जेजेपी ने हर बार गठबंधन धर्म का पालन किया है। जेजेपी से जो प्रवक्ता है दीप कमल सहारण जी, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीप कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से अभी ये वार पलटवार चल रहा है सर, आपको क्या लगता है ये गठबंधन कब तक रहेगा? क्योंकि जैसे ओपी चौटाला ने तंज कसा था इनेलो सुप्रीमो ने कि चुनाव आने से पहले ही गठबंधन टूट जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी बात सही साबित हो जाएगी? नहीं, देखिए, जो हरियाणा के विपक्षी दल हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इंडियन नेशनल लोकदल हो या बाकी कोई, उनकी देखिए उनकी इच्छा से या उनके चाहने से तो ना गठबंधन हुआ और ना ही उन लोगों के किसी के बयान से कोई गठबंधन पर कोई असर पड़ेगा। ये तो दोनों दलों की, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की आपसी सहमति है कि एक मजबूत और स्थायी सरकार हरियाणा में चलानी है 5 साल के लिए, ताकि सरकार तेजी से निर्णय ले सके, मजबूती से विकास के काम कर सके, जो पिछले 3.5 साल में हमने किया भी है। सरकार को एक स्थायित्व दिया है, एक टिकाऊपन दिया है कि किसी, चाहे कोई भी और चुनौती आई, चाहे कोरोना की आई, चाहे किसान आंदोलन की चुनौती आई या और दूसरे विषयों पर सरकार को कोई मजबूत कदम उठाने पड़े, ये चिंता कभी नहीं रही कि हमारे पास विधानसभा की संख्या कुछ टाइट है या बिल्कुल पूरे पूरे गिनती के विधायक हैं। 56-57 विधायकों के साथ हरियाणा में सरकार चली है और सबसे पहली प्राथमिकता तो वही है, एक टिकाऊ सरकार रहे और मजबूत सरकार से निर्णय जल्दी जल्दी ले सके। उसमें हमने कुछ अच्छे उठाए भी हैं, चाहे कुछ व्यापारियों के विरोध के बावजूद हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत किसानों को उनकी फसल के पैसे 24 से 48 घंटे के अंदर सीधे उनके अकाउंट में दिए हैं, उठान उतना जल्दी करवाया है। और दूसरा, जो मारुति का प्लांट हमने लगवाने का निर्णय लिया है खरखोदा में, एक ग्लोबल सिटी बन रही है और बड़े बड़े नेशनल हाईवे, चाहे 152D हो, चाहे दिल्ली कटरा हो, चाहे दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे हो, इस तरीके के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो हरियाणा में लेकर आए हैं। ठीक है दीप कमल जी, आपका जो जेजेपी का पक्ष है वो मैंने लिया। मेरे साथ प्रवीण आत्रे जी जुड़ गए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जेजेपी कह रही है कि ये हरियाणा के तेजी से विकास के लिए गठबंधन हुआ था, ये एक स्थायी सरकार के लिए गठबंधन हुआ था, किसी ने किसी पर एहसान नहीं किया है, फ्री में या मोलभाव की कोई बात नहीं है, और जब जनभावना की बात आती है तो जनभावना की तो कीमत लगाई ही नहीं जा सकती। तो फिर ये इतनी, ये जो वार पलटवार हो रहे हैं दुष्यंत चौटाला के बीच और बृजेंद्र सिंह और विप्लव कुमार देव, ये सब क्या है सर? नहीं देखिए, जहां तक विप्लव देव जी की बात है, जिस तरह से विप्लव देव जी के बारे में शब्दों का प्रयोग किया गया तो स्वाभाविक है, बतौर प्रभारी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा, विप्लव देव जी का अपने एक दायित्व है पार्टी को मजबूत करना, संगठन को मजबूत करना और अपने हर विधायक, अपने हर कैंडिडेट, अपने हर मंत्री को मजबूत करना। प्रवीण जी, माफी के साथ आपसे पूछना चाहूंगा, आप कौन से बयान का जिक्र कर रहे हैं, आप बता सकते हैं कौन से शब्द हैं जो आपको आहत कर गए? देखिए ऐसा है, आप अगर इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं तो शब्दों की जानकारी तो आपको भी होगी, शब्दों की जानकारी मुझे भी है, जो कैथल नहीं, के लेकिन अंदर कहा आप गया किसका तो जिक्र कर रहे हैं, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था। बता रहा हूँ, कैथल में जो दुष्यंत जी के द्वारा कहा गया है, विप्लव देव जी ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ठीक, हालांकि बाद में दीप कमल जी जुड़े हुए हैं, मैं और दीप कमल जी एक चैनल पे थे तो दीप कमल जी की तरफ से बतौर प्रवक्ता जेजेपी एक स्पष्टीकरण भी दिया गया और मैंने उस वक्त भी कहा था कि जेजेपी का जो स्पष्टीकरण ऑथेंटिक वे से आया है उस स्पष्टीकरण को स्वीकार करना पड़ेगा। वो स्पष्टीकरण हमने स्वीकार किया, लेकिन जो सवाल आपने पूछा, हर राजनीतिक दल अपने दल को मजबूत करने के लिए काम करता है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल है,
भारतीय जनता पार्टी का भी उद्देश्य ये है कि 90 के 90 विधानसभा सीटों को हरियाणा में जीता जाए, जिसके लिए विप्लव देव जी काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हाँ बिल्कुल सही बात है प्रवीण जी। लेकिन इसके साथ ही आप जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ, उन्होंने ये कहा था 3-3 लोगों के पेट में एक साथ दर्द हो रहा है, तो वो सीधे तौर पर प्रेमलता जी के लिए, बृजेंद्र सिंह के लिए और वीरेंद्र सिंह जी के लिए बात कही थी। मुझे लगा नहीं कि उन्होंने विप्लव कुमार देव को लेकर किसी तरह का कोई बयान दिया। स्टिल अगर आपको कुछ लगता है तो उस पर फिर दीप कमल जी से हम लेंगे आगे प्रतिक्रिया, इसीलिए मैंने आपसे पूछ लिया था कि आप बता दीजिए आप किस पर्टिकुलर बयान में। मैं वही बता रहा हूँ, इस बारे में दीप कमल जी ने अपना स्पष्टीकरण पार्टी की तरफ से दिया था। मैं भी फैक्चुअली बात कर रहा हूँ प्रवीण जी। अच्छा ठीक है, जेजेपी बीजेपी का पक्ष आ गया। इस बीच मेरे साथ जयप्रकाश उर्फ जेपी जी जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, कांग्रेस का पक्ष आप रखेंगे। अभी दीपेंद्र हुड्डा ने ये ट्वीट किया है कि चाहे कोई चुनाव लड़े, जीत तो कांग्रेस की होगी, विधायक तो कांग्रेस का ही होगा। बताइए सर। ये तो सही बात है, उचाणा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने निर्णय ले लिया कि जितनी ठगी, जितना विश्वासघात, जितना अनदेखी उचाणा विधानसभा क्षेत्र की हुई, इतनी तो हरियाणा प्रदेश में कहीं नहीं हुई। क्यों? क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी वहीं से आते हैं जी, मेंबर पार्लियामेंट भी वहीं से आते हैं, एक्स यूनियन मिनिस्टर वहीं से आते हैं, एक्स एमएलए वहीं से आती हैं, तो सारा ही जो जेजेपी बीजेपी गठबंधन का ताकत है वो सारी उचाणा में है। और आज उचाणा के लोगों को पीने का पानी नहीं है। आज उचाणा की सड़कों की हालत आपने देखी, हमारा इलाका तो साथ लगता है, तो सड़कों में बुरी तरीके से खड्डे है। इवन स्टेट हाईवे नंबर 1 की ठाणा से लेकर के या कैथर से कहोगे तित्र मोड़ से भिवानी तक जाता है। अगर ये इसकी दुर्दशा है या बुरी हालत है तो केवल उचाणा विधानसभा क्षेत्र जहां से भी शुरू होता है जहां खत्म होता है वहीं तक बुरी हालत है। जो साथी जेजेपी बीजेपी के मित्र कोई मेरी बात सुन रहे हैं हाँ। आप उस सड़क की हालत देख लीजिए, स्कूल है अध्यापक नहीं, अस्पताल है डॉक्टर नहीं, है तारे हैं बिजली नहीं, सड़कें हैं खड्डम खड्डा। अच्छा। तो लोग क्यों वोट देंगे, लोगों ने मन बना दिया। जयप्रकाश जी इस पर प्रवीण अत्रे जी जो है वो बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, उनसे मैं जान लेता हूँ। प्रवीण जी आपने सुना जेपी जी को, वो कह रहे हैं कि उचाणा कलां की जितने एरिया है केवल वहीं पर सड़कें खराब हैं, केवल वहीं के हालात खराब हैं। कुछ कहेंगे आप इस बात सरकार आपकी है? जी 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 मैं बताता हूँ। देखिए एक बड़ी बात तो ये है जो बड़े भाई जयप्रकाश जी ने कही, उन्होंने उचाणा का जिक्र करते हुए अपने हलके का भी जिक्र किया, तो मतलब कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से जयप्रकाश जी इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं कि इनके हलके में बहुत विकास हुआ है। अब ये बात कर रहे हैं उचाणा की, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दीप कमल जी, तो उसके लिए तो दीप कमल जी बता पाएंगे कि उचाणा हलके में क्या हुआ। लेकिन जयप्रकाश जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस सरकार के विकास कार्यों को रिकॉग्नाइज किया, अपने हलके की बात करते होंगे, तो इससे कहीं ना कहीं ये स्थापित होता है कि हरियाणा में विकास हुआ। दूसरी बात, एक सलाह मैं जरूर जयप्रकाश जी को दूंगा और वो दीपेंद्र जी तक पहुंचा दे वो सलाह जो उन्होंने ट्वीट किया है। देखिए बुजुर्ग भी कहते थे इंसान भले सांप पाल ले, बिच्छू पाल ले, शेर पाल ले, गलत फहमी ना पाले। तो जिस गलत फहमी में दीपेंद्र जी हैं, जिस गफलत में जयप्रकाश जी हैं, मेरा उनसे मेरा निवेदन और सलाह है कि इस गफलत से बाहर आए, क्योंकि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि जिस तरह की राजनीति 10 साल भूपेंद्र हुड्डा साहब के समय में हरियाणा ने देखी है, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, उस राजनीति से तौबा कर चुका है हरियाणा। और जिस तरह से व्यवस्था परिवर्तन किया मनोहर जी ने, उस व्यवस्था को बदल दिया, जिस व्यवस्था को हुडा साहब ने लगातार इस हरियाणा में चलाया, और मैं तो कहूंगा हरियाणा देश भर में बदनाम था इस व्यवस्था की वजह से, जातिवादी राजनीति की वजह। तो जयप्रकाश जी के आरोपों पर बतौर सरकार की ओर से आपने बीजेपी की ओर से अपना पक्ष रख दिया, लेकिन अब चूंकि उचाणा कला की बात हुई है तो मैं दीप कमल जी का रुख कर लेता हूं। दीप कमल जी, ऐसा कहा जा रहा है कि केवल उचाणा कला की सड़कें खराब है, केवल वहीं के स्कूलों में टीचर्स नहीं है, क्या ऐसा है? क्योंकि सर ये तो आपके लिए अस्तित्व की लड़ाई है, ये तो आपके लिए साख बचाने की लड़ाई है। बीजेपी ने तो अपना पल्ला साफ कर लिया एकदम से कि उन्होंने काम किया है, सरकार ने काम किया है। पर्टिकुलर उचाणा कला की अगर बात करें तो अगर आप कुछ कहें। नहीं, मेरे कहने की जरूरत नहीं है उचाणा के बारे में। डिप्टी सीएम जी ने जितनी तेजी से काम करवाए हैं वो उचाणा के लोग जानते हैं, कांग्रेसी लोग उसको नहीं मानेंगे। जिन सड़कों का जिक्र किया वो कलायत एरिया की सड़कें हैं, जयप्रकाश जी कर रहे थे। लेकिन जो दीपेंद्र जी की बात है, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और महेंद्रगढ़, ये सारे वो इलाके हैं जिनसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा नफरत करते हैं। अपने 10 साल की सरकार में उत्तर हरियाणा के इन जिलों के साथ जो भेदभाव उन्होंने किया उसके साक्षी उसके
दर्शी कांग्रेसी लोग हमसे ज्यादा हैं। जयप्रकाश जी भी उसके भुगत भोगी हैं, इनको भी टिकट नहीं लेने दी थी, इनके इलाके में भी उस टाइम भी कोई इतने काम नहीं हुए। हाँ, जब ये बने तब विपक्ष की सरकार थी, तब ये दो तीन काम बताते हैं कि इन्होंने विपक्ष में होते हुए, कांग्रेस पार्टी के सरकार के अंदर विपक्ष में होते हुए इन्होंने कुछ काम ये कहते हैं कि इन्होंने करवाए। दूसरी बात, जहां तक उचाना में बीच में एक घुसने की कोशिश की है दीपेंद्र हुड्डा ने कि हम जीतेंगे, पांचवें नंबर पर आए थे 2019 में, 4000 कुछ वोट आए थे, इनसे ज्यादा वोट एक निर्दलीय के थे और एक बीएसपी के कैंडिडेट के थे, दोनों के इनसे 1000-2000 वोट ज्यादा थे कांग्रेस पार्टी से। ठीक है दीपकमल जी, आपने जो पहली वाली बात कही है, ना हो जाए तो उसका मैं जवाब ले लेता हूं पहले जेपी जी से। जयप्रकाश जी, आपने सुना कह रहे हैं कि आप तो खुद कांग्रेस के भुक्तभोगी हैं, कांग्रेस को तो पर्टिकुलर कुछ एरिया से नफरत है, नाम भी लिए हैं दीपकमल जी ने। बेचारे क्या करें, दीपकमल जी का भी कसूर नहीं है, परिस्थितियों से बंधे हुए लोग हैं दीपकमल जी, बीजेपी के मित्र भाई भी। एक प्रश्न पूछता हूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा प्रदेश में, थर्मल मैं नहीं बताऊंगा, ये बताएं थर्मल प्लांट कितने बने? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर थे कितने यूनिवर्सिटी बनी सरकारी, कितने मेडिकल कॉलेज बने, कितने एक्सप्रेस हाईवे बने, कितने रेलवे की कनेक्टिविटी से रेलवे को जोड़ा गया, कितने लोगों को रोजगार दिया गया? मैं कहता हूं गठबंधन के दोनों मित्रों को जी, आप लोग इस हरियाणा प्रदेश के नौजवानों के सबसे बड़े दोषी पाए जाएंगे, दोनों गठबंधन सरकार जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को रोजगार नहीं दिया जी। जीता जीता जागता उदाहरण है कि हमारे बच्चे विशेष तौर से जहाँ से कमलदीप जी जयप्रकाश आते हैं, एक के गांव के 100-150 बच्चे पिछले 3 वर्ष में विदेशों में गए हैं। हालांकि जेपी जी, आपको मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगा, समय की बहुत कमी है, मुझे इसको पूरा वाइंड अप करना है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब कोई सरकार आती है तो काम करती है, चाहे कांग्रेस ने किया हो, चाहे बीजेपी ने किया हो, चाहे जेजेपी ने किया हो, काम सबने किया है और उसका विरोध करना विपक्ष का काम है। आप सब अपना अपना काम कर रहे हैं, हालांकि इस बीच देखना यह होगा कि ये गठबंधन कैसे टिकता है, ये जो बयानबाजी है कहीं ये गठबंधन को कमजोर तो नहीं करती है, और 2024 में क्या होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जेजेपी बीजेपी और कांग्रेस तीनों का पक्ष आपने रखा।